हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ चोखा बाटी की रेसिपी। सो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने रेसिपी की तरफ। फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों और एंजॉय भी कीजिएगा प्लीज, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ये ले लिए हैं मैंने बैगन, तो तीन है बड़े वाले साइज के बैगन है, दो टमाटर, एक प्याज, एक लहसुन। इधर ले लिए तीन हरी मिर्च और धनिया ले लिए। इधर अदरक का टुकड़ा ले लिया है। सो इसको क्या करेंगे, हम धुल के अच्छे से साफ पानी से मैंने धुल लिए थे, और बीच से इसमें चीरा लगा लिया है बैगन में। इसको वाइप कर लेंगे। अब वाइप करके इसका पानी बिल्कुल पोंछ लेंगे अच्छे से। फिर इसमें सरसों का तेल लगाएंगे। तो इसमें पानी है ना, ये देखिए पानी दिख रहा है इसमें हल्का सा। धुलने के बाद मैंने ऐसे ही रख के दिखाया आपको। वाइप करके तेल लगा लिया है मैंने सरसों का। लगाने के बाद ये गैस पे धीमी आंच पे इसको भून लेंगे। लहसुन भी है इसमें, हरी मिर्च भी है, मैंने सारी चीजें रख दी है इसमें। इधर अच्छे से जब भून जाएगा, ये लहसुन हमारा भुन गया है, मैंने निकाल दिया था, हरी मिर्च भी भुन गई है। इधर दोनों चीजें मैंने निकाल के साइड में रख दी है। ये देखिए इधर मैंने सारी बैगन भी भून लिया है, सारा सब भून के थाली में निकाल दिया है। टमाटर भी अच्छे से भून लिया, ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी हम पील कर लेंगे, इसका छिलका छील लेंगे, ऊपर से निकाल देंगे। इधर प्याज कट कर लिया है, धनिया भी कट कर लिया है। ये मैंने आलू थे बॉयल किए थे, वो छील के रख लिए हैं। इधर हरी मिर्च धनिया कट कर लिया है मैंने। थोड़ा सा हम आलू का भी चोखा बनाएंगे, मतलब आलू की पिट्ठी बनाएंगे। बच्चों को आलू का भी पसंद आता है और सत्तू की बाटी भी पसंद आती है, तो आलू वाली फिलिंग भी रखेंगे और सत्तू वाली भी। इधर ही ठंडा हो गया था, मैंने पील कर लिया है। इसको पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे अच्छे से। बिल्कुल अच्छे से मैश करना है दोस्तों। आलू ले लेंगे, पांच से छह आलू इसमें हमने डाल दिए हैं। आप आलू डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो ना डालें, आपके टेस्ट के ऊपर है, आपको जैसा पसंद है वैसा करिएगा। इसको हम अच्छे से आलू को भी मैश कर लेंगे और सबको अच्छे से मिला के पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि अगर ये चूल्हे पे दोस्तों भूनते हैं ना हम लोग चूल्हे के कंडे के राख के ऊपर, तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। लेकिन अब चूल्हा कौन ही यूज करता है, बहुत कम यूज होता है। ये देखिए, ये मैंने सारा इकट्ठा करके रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। बीच में हमने कर लिया गड्ढा हल्का सा, वो मतलब साइड में सारा कर लेना है, बीच में हम डाल देंगे सारे मसाले। थोड़ी सी डालेंगे इसमें हींग चुटकी भर। आप हींग, अगर हींग और जीरा भून के डालें घी में या तेल में डाल सकते हैं, लेकिन मैंने भुना हुआ जीरा लिया। हींग ऐसी चुटकी भर डाल दी, ज्यादा नहीं डाली है। भुना हुआ जीरा लीजिएगा तो अच्छा लगता है खाने में स्वाद इसका। काला नमक डाला है इधर मैंने, ये डालेंगे हल्की सी लाल मिर्च। इधर डाल देंगे नमक, सादा नमक जो हम खाते हैं खाने में वो। थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। इधर हम डालेंगे सरसों का तेल, तीन से चार चम्मच, पांच चम्मच, जैसे भी आपको लगे, आप क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा। इसमें सरसों का तेल कच्चा डालते हैं दोस्तों। ये मैंने बाउल में सर्व कर लिया, इसको ऊपर से भी एक चम्मच सरसों का तेल मैंने इसमें डाल दिया है। इसको रखेंगे साइड में। आलू हमने जो बताए थे मैंने बॉईल करके रखे थे, उनको मैश कर लिया था। हरी मिर्च और धनिया इसमें मिला ली थी। अब इसमें मसाले जो है सूखे हम सारे मिला लेंगे अच्छे से। वो भी हल्का फुल्का मसाला मिलाना है, बहुत ज्यादा नहीं मिलाएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उतनी ही क्वांटिटी में मिलाना है। जो बच्चे मतलब तीखा पसंद कम कर पाते हैं, लाल मिर्च ना डालिए, आप हरी डाल दीजिए। बच्चे हरी ना खाना चाहे तो वो भी स्किप कर सकते हैं। हींग जीरा धनिया पाउडर काला नमक भुना हुआ जीरा जो डाला है वो भी डाल सकते हैं, और सादा नमक थोड़ा सा डाल दिया इधर मैंने। बस मसालों को डाल के हम हाथ से मिला लेंगे। मिला के इसको साइड में बाउल में निकाल लिया मैंने।
इधर निकाल के रख लेंगे इसको। इधर ले लेंगे एक थाली में हमने ले लिया है सत्तू का आटा एक कटोरी, जो चने का होता है भुना हुआ, भुने हुए चने जो होते हैं उसको पीस के हम बनाते हैं, घर पे भी बना सकते हैं दोस्तों। इधर हम इसमें काला नमक डाल लेंगे एंड ऐड करेंगे और इसमें मिर्च और या आम का मसाला जो होता है आम के अचार का, या मिर्च के अचार का मसाला होता है, जो भी आपके पास हो अवेलेबल उसको आप यूज कर सकते हैं। आमचूर भी डाल सकते हैं इसमें, नींबू भी निचोड़ सकते हैं, खट्टे के लिए इमली का पल्प भी डाल सकते हैं जो आपको टेस्ट अच्छा लगे। मैंने बहुत सारे ऑप्शन बता दिए हैं इसमें। प्याज, हरी मिर्च मैंने और लहसुन डाल दिया है, धनिया डाल दी, हल्की सी भुना हुआ जीरा डाल दिया है दोस्तों। इधर सादा नमक डालेंगे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा मसाले नहीं डालने हैं इसमें, हल्की सी लाल मिर्च ली है। इधर हींग डाल दिए थोड़ी सी, इसको सरसों का तेल डालेंगे, कच्चा ही तेल डालना है इसमें। कुछ लोग पानी भी डाल देते हैं, पानी की छींटे लगा देते हैं ताकि मॉइस्चर आ जाए, नहीं पानी की छींटे ना लगाइएगा दोस्तों। ये कचौड़ियाँ आप 6 से 7 दिन तक रखे खा सकते हैं, ये मसाला आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं अगर इसमें आप प्याज ना डालें कच्चा तो। अगर प्याज डाला है तो 1 से 2 दिन तक आप खा सकते हैं इसको, स्टोर करने की जरूरत नहीं है, बना के रखे खा सकते हैं, जैसे शाम को बना ली सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। इधर हमने ले लिया है उसको सारे सत्तू के जो मसाला जो मैंने बनाया था वो उठा के साइड में रख दिया है। इधर आटा ले लिया है, करीब 1/2 kg आटा है। इधर मैंने नमक डाल दिया है, अजवाइन हाथ से मसल के डाल दी है, 1 चम्मच डाला है मैंने बेकिंग पाउडर, और 1/2 teaspoon डाला है बेकिंग सोडा, और 2 चम्मच डाला है देसी घी। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लगा के अपना डो लगा लेंगे। आप जितना आटा लीजिए जिस हिसाब से, आटा सेमी सॉफ्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। इधर धनिया, जैसे हम बनाते हैं धनिया की चटनी, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक के छोटे से छोटे छोटे 2 टुकड़े मैंने कर लिए हैं वो डाल दिए हैं इसमें, 2-3 टुकड़े कर लिए हैं अदरक के। काला नमक डाल देंगे, भुना हुआ जीरा डाल देंगे, और 2 चम्मच मैंने इसमें, मेरे पास नींबू नहीं था दोस्तों, अगर नींबू हो तो नींबू डाल सकते हैं, अमचूर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें दही के 2 चम्मच डाले थे। काला नमक जरूर डालिएगा दोस्तों, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चटनी में। अब भुना हुआ जीरा ये देखिए मैंने पीस के रख दिया, चटनी को साइड में रख देंगे। इधर आटा हमारा सॉफ्ट हो गया था, अब इसको लोइयां मैंने काट ली हैं, तो ये जो 1 लोई मैंने ली है हाथ में, इसको इस तरह से गोल गोल घुमा लीजिए, नहीं अगर हो सकता है तो बस थोड़ा सा बेलन लगा लीजिए इसमें, बेलन लगा के इसमें जो हमारा सत्तू का मसाला था वो हम इसमें 1 चम्मच ले लेंगे, फिलिंग उतनी लीजिएगा बाहर ना निकले। अब उसे दबा के आटे से इसको कवर कर देंगे, कवर करने के बाद इसको अब एक्स्ट्रा आटा जितना भी है ऊपर रोल करके ऐसे मैं कर रही हूँ देखिए दोस्तों, निकाल देंगे और बस हल्का सा गोल करके रख देंगे साइड में। इधर मैंने आलू की टिक्की जो बनाई थी, आलू का मसाला जो बनाया था, मैंने बोला था कि अगर सत्तू के बच्चे ना पसंद करें तो आलू का पसंद करें, तो आप आलू का भी बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, जैसे पसंद करें, जिस तरह से पसंद करें उस तरह से बना दीजिए, बच्चों को सबसे ज्यादा आलू पसंद होते ही हैं। बस इसको भी इसी तरह से कवर कर देंगे धीरे धीरे, और एक्स्ट्रा आटा को फोल्ड करके जिस तरह से मैंने बताया पहले इस तरह से निकाल देंगे, एक्स्ट्रा जो ऊपर आटा है ज्यादा आटा ना हो, बस इसको घुमा के सारे मतलब पेड़े तैयार हो गए जो मैंने फिल किए थे, कुछ सब्जी के हैं कुछ आलू की फिलिंग है, और ये मैंने कढ़ाई गरम कर ली थी, अब इसको मैंने ऐसे ही इसमें रख देना है। और इसमें क्या करना है, 2 चम्मच घी हम ऊपर से इसके ऊपर डाल देंगे, अगर कंडे की राख हो, कंडे की मतलब आँच हो उसमें, चूल्हे में हम लोग भूनना चाहें तो उसमें और अच्छे बनते हैं दोस्तों, लेकिन इस समय नहीं अवेलेबल होता है, ऊपर से गर्मी इतनी है, ठंडियां हो तो लगाया भी जाए सोचा भी जाए। ये देखिए इसको ढक के हमने थोड़ी देर कवर कर दिया था, ये हल्के हल्के अभी ज्यादा देर नहीं हुई है दोस्तों, तो हल्का हल्का गोल्डन होना शुरू हुआ है,
हाथ से पलट पलट रही हूँ मैं, तो उसको आप लोग गलती ना कीजिएगा हाथ से पलटने की। मैंने चम्मच ली है, चम्मच से भी नहीं काम बन रहा है तो मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसे पलट रही हूँ। हल्का हल्का इसको घुमा दीजिए, पलट दीजिए, ये अभी हुआ नहीं है दोस्तों, तो उसको हम ढक लेंगे, ढक के और दोबारा से थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब इसको घुमाएंगे। क्योंकि अभी मैंने जल्दी डाले थे, कुछ तो हो गए, कुछ अभी नहीं हुए, तो उसको ढक लेंगे दोबारा। देखिए मैंने खोल के दिखाया आप लोगों को, ये इस तरह से हो गए हैं हल्के के और बाकी। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बनाने हैं, आटा मैंने जैसे कहा सेमी सॉफ्ट लगाना है, आप घी डालना चाहें और तो और डाल सकते हैं, तो उससे क्रिस्पी हो जाएंगे और कुरकुरे बनेंगे मतलब। तो मैंने इतने ज्यादा कुरकुरे नहीं बनाए थे, बच्चों के लिए बनाए थे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तोड़ के दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए बन के तैयार है। देखिए इस तरह से गेहूँ के आटे के बना सकते हैं, गेहूँ के आटे के ही अच्छे लगते हैं उनको, मैदा के ना बनाइएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किसका पसंद किसके पसंद करते हैं खाना। ये मैंने थाली लगा ली आप लोगों के लिए, आइए चोखा लगा लिया है, चटनी लगा ली है, आइए आप लोगों के लिए थाली लगा ली दोस्तों, खाइए एंजॉय कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों प्लीज कर दीजिएगा, एंड कमेंट जरूर करिएगा आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है दोस्तों, प्लीज टेस्ट करके बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।